छुट्टी जइहे बाबा के महला अटरिया पोसल चिड़ैया उड़ जइहे हो। छुट्टी जइहे बाबा के महला अटरिया पोसल चिड़ैया उड़ जइहे हो। चुटकी भर मंगिया में पड़ते सिनुरवा बबूनी पराई होई जइहे हो। अब साथ में प्रेम बेदर्दी जी हैं, इनके साथ भी कोई एक डुएट गाना इनका आया था, थोड़ा सा उसको सुन लेते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे और बाकी आप बताइए कमेंट करके। क्या नाम है अभी आपका? जी मेरा नाम प्रेम सिंह बेदर्दी है। आपका भी एक गौरी श्री के साथ एक गाना आया था डुएट वाला, कोई हो तो थोड़ा सुनाइए। जी जी। तू ही हमर जान हो, खाई ले कसम हो, प्यार करी ले तोसे जन्मो जन्म हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो। तू ही हमर जान हवा, खाई ले कसम हो, प्यार करी ले तोसे जन्मो जन्म हो, इस नाम हो तोहरा बिना जीना पाइब हम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो। अंतर क्या था इसका? रहेलू करे जावा में बन के परान हो, तोहरा के मन ले बानी दिल से भगवान हो। बसेला करे जावा में बन के परान हो, तोहरा के मन ले बानी दिल से भगवान हो। प्यार में तोहरा हम तो रहिले मगन हो, सुंदर सुरतिया के तोहरा खाइले कसम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जीना पाइब हम हो। इस तरह के गाने हम उस वक्त सुना करते थे जब फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में एक बार मनोज तिवारी ने मोड़ लाया था ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म ला करके। उस दरमियान ऐसे गाने डुएट वाले गाने जो थे प्यार भरे, मतलब शब्दों में भी वो मिठास जो सुनकर जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक पति पत्नी का प्रेम है, एक प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है, इसको लेकर के ये गाना। इसका अगला अंतरा हो जाए भाई साहब। तोहरा से दूर होके हम जी न पाइब, जान भी दे के तोहसे वादा हम निभाइब। हो तोहरा से दूर होके जी नहीं पाइब, जान भी दे के तोहसे वादा हम निभाइब। प्यार में तोहरा हम तो रहिले मगन हो, तू ही तो बाड़ू हमार तन मन धन हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जीना पाइब हम हो। तू ही हमर जान हो, खाइले कसम हो, प्यार करिले तोहसे जन्मो जन्म हो, इस नाम हो तोहरा बिना जी अब कैसे हम हो, इस नाम हो तोहरा बिना जीना पाइब हम हो। गजब की, मतलब इन लोगों की आवाज़ है और इन लोगों के गाने भी बड़े खूबसूरत तरीके से, शब्दों में भी जो बातें हैं उसमें कहीं कोसों दूर तक आपको असली शब्द नज़र नहीं आएंगे। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि कुछ अश्लील गाएं और फट से वायरल हो जाएं?
नहीं, ऐसा कोई मतलब हम लोग अब वायरल तो हम लोग 1 साल पहले से ही हैं मूवी से अपने, और गाने से अभी एक हम लोग का इंटरव्यू हुआ था 4 व्हीलर जो गाड़ी खरीदे थे हम लोग उसी के लिए, तो उसी में एक ये गाना गा दी इनका जो गाड़ी वाला था इनके, उसके लिए हम इनको डांटे भी थे कि नहीं ये नहीं कहा ये गाई हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो पारंपरिक है हर जगह चल जाता है, उसके बड़ी मांग है भाई, भाई साहब डिमांड है उसकी, वही इंटरव्यू में वायरल हो गया, यही सब सबसे ज़्यादा इनका वायरल हो गया वही गाना। आप सोशल मीडिया से की रेवेन्यू से आपने अब तक क्या क्या किया है? रेवेन्यू से अभी अपना शूटिंग होता है उसमें खर्चा होता है, और प्लस ये कि गाड़ी है, आप देखेंगे थोड़ा सा तस्वीर में इन लोगों ने इस गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके और एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया, और रेवेन्यू से पहले इन्होंने जो अपने चलने का जो संसाधन होता है उसको इन्होंने अचीव किया ताकि इसमें और आगे अच्छी तरीके से काम किया जाए। इरादा है अभी आगे काम करने का? जी बहुत इरादा है, अभी बहुत आगे तक जाना है हम लोगों को। अच्छा जी, शॉर्ट मूवी भी आप लोग बनाते हो? जी बहुत सारा मूवी बनाए हैं, राजा फिल्म स्टूडियो चैनल आप लोग सर्च करके देखिएगा वहाँ पर। जी तो शॉर्ट मूवी के साथ साथ आप लोग गाना और ये दोनों गाना, एक है एक चैनल है PRGS म्यूजिक वर्ल्ड, उस पे भी उस पे गाने आते हैं, और जो शॉर्ट मूवी है शॉर्ट मूवी वाला चैनल राजा फिल्म स्टूडियो है उस पे फिल्म में गाने रहते हैं, केवल गाना नहीं रहता है उस पे, जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसमें कोई उस टाइप का गाना रहता है तो उसी में डाल देते हैं हम लोग। चलिए इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा एक और गाना सुनेंगे, विवाह गीत गौरी श्री से, एक गाना हो जाए उसके बाद से फिर इसको क्लोज करते हैं। छुट्टी जई है बाबा के महाला अटरिया, पोसल चिरैया उड़ जई है हो, छुट्टी जई है बाबा के महाला अटरिया, पोसल चिरैया उड़ जई चुटकी भर मंगिया में पड़ते सिनुरवा, बबूनी पराई होई जई हो, चुटकी भर मंगिया में पड़ते सिनुरवा, बबूनी पराई होई जई बात है। अब ये एक विदाई गीत है शादी के समय, जब लड़कियां कहते हैं कि वैसे भी पराई धन होती हैं, उन बाप से पूछिए जिसने पाल पोस करके किसी को अपनी लड़कियों लड़की को सौंप दिया हो, दे दिया हो, और उस लड़की से पूछिए जिसके आंगन में खेली हो और वो कुछ दिन के लिए ही मात्र रहता है, फिर उसके बाद से वो किसी और की हो जाती है। कभी मन में नहीं ख्याल आता है कि लड़की हूँ घर में पली पली बढ़ी फिर किसी और की हो जाऊँगी, कभी ऐसा मतलब अमेजिंग किया कि मतलब मुझे लड़की होने पर थोड़ा सा ऐसा कुछ? मुझे शादी करने का मन ही नहीं करता है ना? क्या वजह हो सकती है, तामझाम या फिर घर का जो बाबुल का प्यार है वो? नहीं, घर में बहुत अच्छा लगता है, अपने घर में बहुत ज़्यादा छूट मिलता है, आज़ादी मिलता है, सबका प्यार दुलार सब मिलता है, उतना ज़्यादा आज़ादी कहीं नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, एक लड़की समझ सकती है इस दर्द को, बाकी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हमने इनसे बातचीत किया ढेर सारा, क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।